जिस तरीके की आजकल की फिल्में चल रही हैं, ये कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है फिल्म के अंदर। और सबसे अच्छी बात है कि होकस फोकस, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि होकस फोकस का मतलब क्या होता है, मतलब एक दूसरे को बेवकूफ बनाना। दूसरी बात ये कि फिल्म के अंदर एक सोशल मैसेज बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है कि जो भी गलत काम करेगा, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, या तो उसको ज़मीन के अंदर या तो फिर जेल के अंदर। तो फिल्म का सोशल मैसेज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अलग एंगल से इस फिल्म को शूट की गई है। प्रवीण ने बड़ा अच्छा काम किया है और कहानी बिल्कुल अलग हटके है, कंटेंट बिल्कुल ही फ्रेश है। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म की कहानी इस फिल्म के अंदर सभी एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो बॉयफ्रेंड, जो लड़का है वो लड़की को बेवकूफ़ बना रहा है, जो दोस्त हैं एक दूसरे को दोस्त को बेवकूफ़ बना रहा है, पुलिस वाला क्रिमिनल को बेवकूफ़ बना रहा है, क्रिमिनल पुलिस वाले को बेवकूफ़ बना रहा है, रॉबरी करते हैं। इन द एंड फिल्म में किसी को पैसे नहीं मिलते, सारे मारे जाते हैं और जो पैसा है अपने लेकिन जिस तरीके से शूट की गई है वो बड़ी कमाल की है। और सबसे अच्छी बात है, मैंने कहानी पूरी ओपन नहीं की है, एंडिंग आप देखेंगे तो मज़ा आएगा फिल्म देख के। मेरा जो कैरेक्टर है गैंगस्टर का है और फिल्म उसी पे बेस्ड है पूरी। जिस तरीके से मैंने मेहनत की उस फिल्म को लेके, क्योंकि सडनली मुझे, सबसे कमाल की बात है कि शूटिंग के 2 घंटे पहले मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और मैंने 20 घंटे के अंदर वहाँ के कुछ लोकल गुंडों से मिला, उनकी हाव भाव को देखा, उनकी वे ऑफ टॉकिंग क्या होती, किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से वो चलते हैं बैठते हैं, गुटखा किस तरीके से खाते हैं। मैंने इस फिल्म के अंदर गुटखा बहुत खाया और सिर्फ और सिर्फ करेक्टर के साथ जस्टिफाई करने के लिए। जी मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूँगा कि अवार्ड सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड मुझे मिला है श्री बच्चन साहब से। श्री अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म का पहला पोस्टर लॉन्च केबीसी के अंदर किया हुआ था और उनका जो स्पर्श होता है ना, उनके स्पर्श करते ही इतने अवार्ड लग गया। कहते हैं ना, सबसे पहला अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन जी की वजह से ही सारे कहते हैं ना कि उन्होंने टच किया, वो एक पारस की तरह किसी को भी छूते तो सोने जैसी निखार आ जाती है। उन्होंने पोस्टर को टच किया, इतने सारे अवार्ड इस फिल्म को मिल गए। नहीं, बिल्कुल नर्वस तो नहीं, एक्साइटमेंट है और हाउसफुल हो गई। लोग PVR के अंदर जमीन पे बैठ के देख रहे हैं, सीढ़ियों पे बैठ के देख रहे हैं, तो इट्स रियली वेरी एक्साइटमेंट एंड रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। ऑडियंस से कहूँगा कि फिल्म बहुत ही फ्रेश है, कंटेंट बहुत ही फ्रेश है, कहानी बहुत ही फ्रेश है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। आप लोग देखिए, पूरी मसाला वाली फिल्म है और पैसा पूरा फुल वसूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। सी, होकस फोकस जो है एक क्राइम थ्रिलर है, इट्स बेस्ड ऑन सम ऑफ द रियल स्टोरीज एंड आर अटेम्प्ट टू शो दिस फिल्म इन अ सच ए वे कि ऑडियंस विल फील, सी दिस वर्ल्ड इज एक इनसाइड व्यू ऑफ अ क्राइम सीन, दे कैन हैव इट। सो इट्स अ वेरी POV बेस्ड फिल्म, जस्ट टू गिव आइडिया कि दैट यू कैन बी इन अ करेक्टर, यू कैन फील लाइक इट। इट्स अ लिटिल एक्सपेरिमेंटल फिल्म एंड यस, अभी फिल्म को काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं एंड वी आर वेरी डिलाइटेड। हाँ जी, देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म, एक नई नए नए जॉनर का सिनेमा, एक कुछ इंडस्ट्री में जब आप नया करते हैं, व्हेन इट बीन अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस और बाय द क्रिटिक्स एंड अवॉर्डीज, इट गिव अ रियली बूस्ट टू मेकर्स, आई कैन से। इसमें सुची ने प्ले किया है, आई कैन कॉल हिम, यू कैन हैव अ वर्ड विद हिम। सुची सतेंद्र, ऑल एक्टर्स ऑफ फिल्म्स आर वेरी मच इनटू थिएटर्स। आई हायर एक्टर्स दो हैव एक्सपर्टाइज इन थिएटर, जिसके तहत सो दैट एक फील बना रहे। इट्स फिल्म बेस्ड ऑन फाउंड फुटेज फॉर्मेट, तो उसके लिए फुटेज फॉर्मेट के लिए आई वॉन्टेड अ फेसेस, दोज आर वेरी न्यू इन अ सिनेमा एंड स्टिल दे हैव एक्सपीरियंस, सो वी पिक आर्टिस्ट फ्रॉम थिएटर्स ओनली। हाँ जी, एक्चुअली ये फिल्म जो है एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, एक क्राइम सीन हैपन हुआ था, उस क्राइम सीन को हमने रिक्रिएट किया इन सच ए वे कि कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं, दे डोंट नो दैट समवन इज इंटेंशनली कैप्चरिंग एंटायर क्राइम।
इन सच ए स्पाई कैम फॉर्मेट के थ्रू कोई पूरा क्राइम सीन को कैप्चर कर रहा है. दैट वाज द होल आइडिया. ये कहानी पूरी आगरा की है, तो हमने पूरी फिल्म ही आगरा में शूट की. एंटायर शूट हैपन इन आगरा. फोकस फोकस इज अ टाइटल. फोकस इज लाइक सी इट इज मोर अबाउट कि हाउ हाउ वन वन पर्सन आई मीन किस तरह कन्फ्यूज पूरे गेम को करता है. दैट्स अ होल आइडिया. दैट इज वाई द टाइटल इज फोकस फोकस. आई एम वेरी एक्साइटेड सर. आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, वेरी एक्साइटेड. लेट्स सी हाउ ऑडियंस रिएक्ट टू इट. फिंगर आर क्रॉस्ड. थैंक यू. ओके, ये फिल्म जब मेरे पास पहले प्रवीण लेके आए थे तो मुझे बहुत अलग लगा फिल्म, और नॉर्मल फिल्मों जैसे नहीं है. यही बात मुझे आकर्षित किया है इस फिल्म के लिए. और आप हमेशा जो नॉर्मल फिल्में देखेंगे, काफ़ी सारे फार्मूला फिल्म हैं, और आज की तारीख में फार्मूला फिल्म चल नहीं रही हैं, ये हम सब देख रहे हैं. तो हमने एक प्रयोग किया है, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो है ये बनाई है, जो सिर्फ स्पाई कैम्स और फाउंड फुटेज फार्मूला जो है, जो हॉलीवुड में चली भी है, इस बेसिस पे बनाई है, इस पे आधारित जो है. और फेस्टिवल सर्किट में काफ़ी राउंड किया, और 31 अवार्ड्स और 7 नॉमिनेशन भी मिले इस फिल्म को. काफ़ी जगह पे सराही गई है, और बाकी आप लोग के हाथ में है क्या होगा. गाने सिर्फ एक ही है पूरे फिल्म में, और वो हमने बैकग्राउंड ट्रैक में यूज़ किया है. और क्योंकि रियलिटी बेस्ड है तो गाने ज़्यादातर हो नहीं सकते. सिर्फ बैकग्राउंड में अगर चल रहे हैं सीन के हिसाब से तो वो गाने चल सकते हैं. तो इसलिए एक ही गाना है, बाकी हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक पे काफ़ी मेहनत की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आएगी. जी भाई, आप रिलीज़ के पहले ऐसे ही लगता है कि एग्ज़ाम दे रहे पहली बार. तो बाकी तो हम क्वेश्चन पेपर भर दिए हैं, बाकी जो ऑडियंस के हाथ में रिजल्ट है तो उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. बहुत मज़ा आ रहा है फोकस फोकस देखने में. मैं हमारे दोस्त श्री आशीष रेगो जो प्रोड्यूसर हैं मूवी के, पूरी कास्ट को, पायरी डोडेजा जी जो डायरेक्टर हैं, इज डन सच अ स्लिक जॉब. बहुत ग्रिपिंग मूवी है, बहुत ही स्लिक और जिसे कहते हैं एंटरटेनिंग प्लॉट है. वेरी वेल रिटन, वेरी वेल परफॉर्म. मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, एक्टर्स को, पूरे कास्ट क्रू को, और ख़ास तौर से जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक है समसारा साउंड्स का, समसारा टॉकीज का, मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ. इट्स अ ग्रेट फिल्म. एवरीवन मस्ट कम टू द थिएटर्स एंड वॉच फोकस फोकस. बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, एंड यू विल एंजॉय योरसेल्फ. आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आशीष रेगो, पायरी डोडेजा सर. इट्स अ नाइस मूवी. इट्स अ स्लिक. And I would like to congratulate Samsara Sounds. And it's a nice movie. It's a very slick, entertaining. Start with it? Yes. Yeah. इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मेरे को. समथिंग डिफरेंट था, सम अलग कॉन्सेप्ट से मुझे पर प्रवीण लेके आए थे. मतलब वील डू अ समथिंग डिफरेंट ओवर हियर. इट्स अबाउट अ स्पाई कैम. तो जितना हम लोग अपने फुटेज, जितना भी मूवी देखा है, इट्स अ कैमरा से सब लाइक कैमरा वर्सेस का कैमरा था. ऑल वी हैव शॉट इन लाइक स्पाई कैम. समबडी इज फॉलोइंग समबडी, किसका अंदर यहाँ स्पाई कैम है. और इट वॉज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. मुझे प्रवीण ने तभी बताया था कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हम लोग ने मिल के बोला चलो करते हैं. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. नहीं, इट वॉज इनिशियली कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ था समझने में. तो प्रवीण मेड इट वेरी ईजी कि बोला ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा शूट करेंगे, ऐसा करेंगे. देन आई ऑल्सो गेट सम माई इनपुट्स, बोला ऐसा ऐसा करते हैं, ये करते हैं. सो वी शॉट इट बिकॉज तभी इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था जब हम ये शूट कर रहे थे. तो टेक्नोलॉजी वॉज नॉट सो एडवांस. तो हमने लाइक वी यूज गोप्रोज, वी यूज सम 5D कैमराज, तो उसको मिक्स मैच करके हमने शूट किया. एंड इट इज़ रियल टाइम में शूट हुआ है.
फॉरन में, तो अगर दो आदमी बात कर रहा है, तीसरा आदमी कर रहा है, तो ये दोनों आदमी को ऑन द रियल टाइम में ही शूट हुआ है और तीसरा आदमी भी उसी वक्त शूट कर रहा है. तो ये नहीं है कि ये अलग शूट किया, वो अलग शूट किया, ये शूट किया. अगर घर पे अगर स्पाई कैम लगा हुआ है चार, तो चार उसका मूवमेंट के हिसाब से सब रियल टाइम में है. तो इंटर कटिंग में आपको सब एक ही आपको दिखाई देगा. डेफिनेटली एक्साइटमेंट है आफ्टर लॉन्ग टाइम इट्स रिलीज, एंड आई एम थैंक्स टू प्रवीण हु इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी ले चुका है, इंक्लूडिंग मी हैव टेकन टू अवार्ड्स. तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.